नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर महेश वर्णवाल की किताब एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 से 12 पढ़ा रहा हूँ। और अभी हम लोग यहाँ पर जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपका इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। और इकोनॉमिक्स में हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर, जैसे भी आपका जो चैप्टर दिया गया है उसको हम लोग चैप्टर 1 से लेके आपके चैप्टर 20 तक जितने भी चैप्टर हैं उसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक वीडियो सबका होगा और इससे पहले टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं और आपका ये अभी जो है रिविजन है, चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स का। तो देखिए यहाँ पर आपका भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 10 चैप्टर हैं, ठीक है। तो पहला आपका जो है वो है आपका चैप्टर नंबर 1। एक मिनट थोड़ा सा मुझे पेन। चैप्टर नंबर 1 आपका अर्थव्यवस्था एक परिचय, दूसरा हम पढ़ेंगे आर्थिक समृद्धि एवं विकास, तीसरा है आपका राष्ट्रीय आय, चौथा है आपका आर्थिक नियोजन, ठीक है। पांचवा है आपका मुद्रा एवं बैंकिंग सॉरी छठा आपका है मुद्रा स्फीति एवं मौद्रिक नीति, सातवां आपका भारतीय वित्तीय बाजार, आठवां आपका है कर संरचना के बारे में पढ़ेंगे, नाइन्थ चैप्टर हम पढ़ेंगे बजट एवं राजकोषीय नीति, 10 आपका है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, 11 आपका उद्योग और 12 नंबर आपका जो है गरीबी एवं बेरोजगारी, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर होगा और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन और आखिरी चैप्टर आपका जो इकोनॉमिक्स बनेगा वो आपका है विविध, ठीक है। टोटल आपका इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था में महेश वर्णवाल की किताब से 14 चैप्टर है। तो इस प्रकार आपका अप्रॉक्स 14 वीडियो बनेगा चैप्टर का, ठीक है। मे बी एक दो चैप्टर आपका एक्स्ट्रा हो जाए लेकिन आपका अप्रॉक्स 14 चैप्टर बिल्कुल बनेगा, ठीक है। तो चलिए आज का जो हम चैप्टर नंबर 1 है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का जो पेज है दिया गया है किताब में, देख लीजिएगा, और जी पार्ट है ये, ठीक है किताब का। तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 1 आ गया है, ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का चैप्टर नंबर 1, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी आपका परिचय हो गया, ठीक है। इसको पढ़ेंगे और इसी का वीडियो सिर्फ इसमें मिलेगा, ठीक है, पहला चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो लिखा हुआ है उसी को हम बारी बारी से पढ़ेंगे और जहां पर मुझे रहेगा कि एक्सप्लेनेशन करने का वहां पर एक्सप्लेनेशन कर देंगे, ठीक है। तो जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे उस देश की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। तो जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे उस देश की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे देश में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं, जो भी हमारा लेन देन ट्रांजेक्शन वगैरह एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, ठीक है, तो उसी को सब मिला के हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं। तो किसी देश का जो विकास है वो इकोनॉमी पर डिपेंड करता है कि उसका इकोनॉमी कैसा चल रहा है, ठीक है। जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि हमारा देश का जीडीपी अभी इतना चल रहा है, ठीक है, तो वो जीडीपी आपका जो है ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट आपके इकोनॉमी पर ही डिपेंड होता है कि कैसे आप हमारे देश का जो है इकोनॉमिक चल रहा है, बेरोजगारी क्या है, हमारा एक अर्थव्यवस्था कैसा चल रहा है, हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कैसा चल रहा है, ठीक है। सेकेंड लाइन आपका है, अर्थशास्त्र का जनक फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो इकोनॉमिक्स का जो नाम का जो प्रतिपादन किया था, जिन्होंने ढूंढा था सबसे पहले, ठीक है, तो वो आपका एडम स्मिथ है। नेक्स्ट आपका अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अर्थव्यवस्था की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो वो आपका है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब कि छोटी वरिष्ठ अर्थशास्त्र में किया जाता है, ठीक है। तो छोटे मोटे जो आपके इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र के रिलेटेड जो भी टॉपिक होंगे या जो भी चीज होंगे वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा, ठीक है। एक मिनट। तो अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट का अध्ययन जो आपका है रिसर्च जो भी है वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है, ठीक है।
समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय जॉन मेनॉन्ट किस को दिया जाता है? ठीक है, तो समष्टि मतलब कि आपका जो है एक कंप्लीट इकोनॉमिक्स जो है अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ किया करने का श्रेय जॉन मेनॉन्ट किस को दिया जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार भी किस प्रकार की, ठीक है, यहाँ पर किस प्रकार की होगी? तो भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा विकासशील अर्थव्यवस्था, मतलब डेवलपिंग इकोनॉमी है हमारा, जो हमारा देश है भारत, वो अभी डेवलपिंग इकोनॉमी में आता है। आपका दो तीन कैटेगरी इसमें आता है, एक डेवलपिंग, एक डेवलप्ड इकोनॉमी, एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो हमारा देश जो अभी है वो अभी आपका जो डेवलपिंग इकोनॉमी है, ठीक है, तो अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। अभी यह जो है विकास का जो अर्थव्यवस्था है, विकास का जो काम है वो अभी चल रहा है। ठीक है, तो ये आपका मिडिल हो जाएगा। ठीक है, मिडिल डेवलपिंग इकोनॉमिक कंट्री हमारा इंडिया है। ठीक है, तो आप जिस प्रकार देखते होंगे कि अगर बिहार में है तो बिहार का कुछ ही एरिया जो है डेवलप्ड है। ठीक है, तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि बिहार एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? तो विकासशील अर्थव्यवस्था डेवलपिंग इकोनॉमी मानी जाती है। अगर आप गोवा या दिल्ली को अगर कंपेरिजन करेंगे तो गोवा और दिल्ली आपका जो स्टेट है वो आपका डेवलप्ड स्टेट माना जाएगा, क्योंकि वहां पर लगभग सब कुछ आपका जो है रूरल से लेके अर्बन एरिया पूरा डेवलप्ड है। ठीक है, तो हमारे देश में ही दो स्टेट जो हो सकते हैं वो आपका डेवलप्ड इकोनॉमी में आएगा। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो हमारा जो भारत का जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसका इम्पोर्टेंट या फिर एडवांटेज क्या है? ठीक है, उसका मेरिट पॉइंट क्या हो सकता है? तो जो हमारा देश है वो कृषि प्रधानता देश है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है 80% जो आपका 70% है वो आपका यहाँ पर लोग जो है एग्रीकल्चर में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय तथा बढ़ती बेरोजगारी। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोगों का जो नेशनल इनकम है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम है लोगों का, वो आपका बहुत ही कम है। ठीक है, जैसे कि आपका बिहार में देखा जाए तो यहाँ पर कैपिटा इनकम जो लोगों का है वो बहुत कम है। ठीक है, सिटी में तो ठीक है, लेकिन आपका रूरल एरिया में बहुत कम है। तो एक एवरेज निकाला जाता है तो आपका बिहार का बहुत ही कम है और इंडिया का भी बहुत कम है। ठीक है, और यहाँ का पॉपुलेशन जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और हमारा टेक्नोलॉजी जो है आते जा रहा है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी आने से क्या हो रहा है कि आपका जो मशीन जो है कुछ कुछ वर्क कर ले रहा है। जैसे कि पहले हम जाते थे बैंक में तो हमारा पासबुक या फिर हमारा जो पैसे जमा करने का था वो लोग जमा करते थे, वहाँ के जो स्टाफ जमा करते थे। ठीक है, स्टाफ के द्वारा किया जाता था, लेकिन अब क्या हो गया कि आप बैंक में अब जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा कि आपको वहाँ पर मशीन रखा रहेगा, आप मशीन में खुद से पैसा जमा कीजिए और खुद से अपना पासबुक है प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि आपका जो है मशीन के आने से लोगों से जो है नौकरी छिना जा रहा है। ठीक है, तो सबसे जरूरी है यहाँ पर गवर्नमेंट को यहाँ पर काम करना पड़ेगा, पॉपुलेशन रुकना पड़ेगा। ठीक है, जो भी हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ है काफी हाई है, तो अगर पॉपुलेशन को अगर हम आने वाले समय में रोक सकते हैं तो हम कुछ हद तक बेरोजगारी को कम कर सकते हैं, अन्यथा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र मिलजुल कर कार्य करते हैं और इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी कैपिटलिस्ट एवं समाजवादी सोशलिस्ट दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं पाई जाती है। तो हमारा जो अर्थव्यवस्था है इंडिया का इकोनॉमी वो आपका मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दोनों मिलेंगे, आपका कैपिटलिस्ट भी मिलेंगे और सोशलिस्ट भी मिलेंगे। ठीक है, तो आपका जैसे कैपिटलिस्ट हो गया अंडारी अमानी, सोशलिस्ट जैसे आपका जो भी आपका जो क्लब हो गया रोटरी क्लब हो गया, जो सोशल वर्क करते हैं एनजीओ वगैरह हो गए या फिर गवर्नमेंट वगैरह जो सोशल कार्यों पर ध्यान देती है। ठीक है, तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित इकोनॉमी है, जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र आपका गवर्नमेंट सेक्टर आपका प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलजुल कर काम करते हैं और इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी कैपिटलिस्ट एवं समाजवादी सोशलिस्ट दोनों अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पाई जाती है।
कहने को तो यहाँ पर बहुत सारे सोशलिस्ट पार्टी हैं, लेकिन सब एक तरह से कैपिटलिस्ट ही बने हुए हैं, ठीक है। जैसे कि आपका नाम तो नहीं लूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है, तो आप भली भांति समझ लूंगा, बिहार में भी, यूपी में भी, या कि और भी हर शहर में, हर स्टेट में, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित थी? तो जॉन मेनार्ड कीज से। तो मिक्स्ड इकोनॉमी की संकल्पना किसके द्वारा दिया गया था? तो जॉन मेनार्ड कीज के द्वारा दिया गया था। बंद अर्थव्यवस्था, तो क्लोज इकोनॉमी से क्या है? तो एक आपका है क्लोज इकोनॉमी, एक आपका टॉपिक है, एक टर्म है। तो इसका मतलब क्या होता है? आयात निर्यात गतिविधियां न होना, जैसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो गतिविधि है अगर नहीं होता किसी देश का, तो उस देश को क्या कहेंगे? तो क्लोज इकोनॉमी कहेंगे, ठीक है। जैसे अभी कुछ समय पहले जो है भारत सरकार ने कुछ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो है अभी कुछ क्षेत्रों पर कुछ कॉमोडिटी पर कुछ जैसे आपका चावल हो गया गेहूं पर बंद कर दिया, ठीक है। तो कुछ आजकल यहाँ पर कह सकते हैं क्लोज इकोनॉमी, ठीक है। जो देश किसी चीज का निर्यात या आयात नहीं करता उस देश को क्या कहेंगे? बंद अर्थव्यवस्था कहेंगे, क्लोज इकोनॉमी कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं, कौन कौन सा आपका पार्ट है? तो आपका सबसे पहला आपका है प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। दूसरा आपका है द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। तीसरा आपका है तृतीय क्षेत्र, टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। तो तीन प्रकार का आपका सेक्टर यहाँ पर आपका है, एक प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड आपका है सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड आपका है टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। तो कृषि एवं कृषि से संबंधित गतिविधियां, तो कृषि एवं कृषि से संबंधित गतिविधियां है, तो इसमें आपका कृषि आएगा, ठीक है, फार्मिंग, वानिकी, मत्स्य मछली मछली पालन, ठीक है, खनन खनन उत्खनन, ठीक है। तो आपका जो भी खनन का कवर होगा, ठीक है, तो ये सब चीज जो आपका है प्राइमरी सेक्टर में आएगा। तो प्राइमरी सेक्टर में वही चीज आएगा जो कृषि से, फार्मिंग से और उसके उससे जुड़ा हुआ चीज जो भी होगा वो हमारा प्राइमरी सेक्टर में आएगा, ठीक है। या फिर कृषि से, कृषि का जो भी मशीन आपका आज के डेट में जो आया हुआ है वो आपका कृषि प्राइमरी सेक्टर में आएगा, ठीक है। सेकंड आपका है द्वितीयक क्षेत्र, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सेकेंडरी सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है। तो इसमें आपका निर्माण का क्षेत्र, रियल एस्टेट का क्षेत्र, ठीक है, विनिर्माण वगैरह, विद्युत आपका, बिजली का, गैस, जलापूर्ति आपका वगैरह, ठीक है। तो ये आपका जो है सेकेंडरी सेक्टर में आएगा, ठीक है, निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति, ठीक है। नेक्स्ट आपका है टर्शियरी सेक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं तृतीयक क्षेत्र, ठीक है, और इसमें आपका सेवा क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर, ठीक है, जो भी आपका गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सेक्टर वगैरह, ठीक है, या फिर प्राइवेट सेक्टर कुछ कुछ। तो आपका यहाँ पर परिवहन एवं संचार, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एवं कम्युनिकेशन। सेकंड आपका बैंकिंग एवं बीमा, तो बैंक एवं आपका जो भी इंश्योरेंस वगैरह है। थर्ड आपका व्यापार एवं भंडारण, तो आपका बिजनेस एवं आपका जो भी भंडार करने का चीज हो गया, सामुदायिक सेवाएं, ठीक है, एनजीओ वगैरह जो भी सेवाएं करने का, ठीक है। तो ये आपका टर्शियरी सेक्टर में आएगा, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर में आपका कृषि एवं कृषि से संबंधित गतिविधियां, सेकेंडरी सेक्टर में औद्योगिक क्षेत्र और टर्शियरी सेक्टर में आपका सेवा क्षेत्र, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर में आपका कृषि वानिकी, और सेकेंड आपका मत्स्यान, थर्ड आपका खनन उत्खनन, सेकेंडरी सेक्टर में निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति, टर्शियरी सेक्टर में परिवहन एवं संचार, बैंकिंग एवं बीमा, व्यापार एवं भंडारण, सामुदायिक सेवाएं, ठीक है। इस प्रकार हमने देखा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अब हम आगे पढ़ेंगे, वर्ष 2011-19 के मध्य कृषि उद्योग तथा सेवा में किस क्षेत्र की वृद्धि दर निरंतर बढ़ी है? तो आपका यहाँ पूछा है क्वेश्चन कि आपका जो साल है, साल 2011 से लेकर 2019 के बीच में कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र में किस क्षेत्र की वृद्धि जो है, किस क्षेत्र का जो है पैमाना जो है निरंतर जो बढ़ा है, ठीक है। तो आपका सेवा क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर का क्षेत्र है, उसका जो है बढ़ा है। तो वर्ष 2011-19 के मध्य कृषि उद्योग तथा सेवा में किस क्षेत्र की वृद्धि दर निरंतर बढ़ी है? तो सेवा क्षेत्र में।
अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो आपका पंचम क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, आपका अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो आपका जो है इकोनॉमिक के क्षेत्र में आपका जो नोबेल पुरस्कार है किस वर्ष को शामिल किया गया था? तो 1969 में शामिल किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, आपका अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अमर्त्य सेन है। इन्हें लगभग 1990 या 1999 के बीच में मिला था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, ठीक है। और इनका कुछ टॉपिक रहा होगा, ठीक है, जिसके क्षेत्र में मिला होगा, आप लोग आगे पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे? उनका नाम था अमर्त्य सेन। आपका अमर्त्य सेन जो है कुछ समय पहले नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर या वाइस चांसलर रह चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आपका बॉक्स यहाँ पर दिया, तो बॉक्स को पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त करने वाले अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें यह पुरस्कार वर्ष 2019 में उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो तथा अमेरिकी मूल की माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से वैश्विक गरीबी उन्मूलन में प्रयोगात्मक दृष्टिकोण एक्सपेरिमेंटल अप्रोच इन ग्लोबल पॉवर्टी एलिवेशन हेतु दिया गया है। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें यह पुरस्कार वर्ष 2019 में उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो तथा अमेरिकी मूल की माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से वैश्विक गरीबी उन्मूलन में प्रयोगात्मक दृष्टिकोण एक्सपेरिमेंटल अप्रोच इन ग्लोबल पॉवर्टी एलिवेशन हेतु दिया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित रूप से ऊपर पाई जाती है, तो कहा किस इकोनॉमी में पाया जाता है? तो जो देश आपका डेवलप्ड इकोनॉमी होगा, विकसित अर्थव्यवस्था में होगा, वहां के लोगों का जो राष्ट्रीय आय होगा वो और प्रति व्यक्ति आय काफी ऊपर होगा, ठीक है। जैसे अमेरिका हो गया या आपका जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, इन सब देशों का जो है प्रति व्यक्ति आय जो है निर्धारित स्तर से काफी ऊपर होगा, ठीक है। इसलिए इन देशों को डेवलप इकोनॉमी के कैटेगरी में डाला जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है तो डेवलप इकोनॉमी में, विकसित अर्थव्यवस्था में। हस्तक्षेप के सिद्धांत लैसेज फेयर का प्रतिपादन किसमें किया जाता है? तो हस्तक्षेप के सिद्धांत लैसेज फेयर का प्रतिपादन एडम स्मिथ ने किया था। नेक्स्ट आपका है गांधीवादी गांधीवादी अर्थव्यवस्था गांधीयन इकोनॉमी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो न्याय ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर आधारित है। समाजवादी अर्थव्यवस्था सोशलिस्ट इकोनॉमी का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था सोशलिस्ट इकोनॉमी का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत हार्बिंगर ऑफ लिबरलाइजेशन कहा जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है और इसे विकसित अर्थव्यवस्था डेवलप्ड इकोनॉमी कहते हैं। हस्तक्षेप का सिद्धांत इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लैसेज फेयर का प्रतिपादन किसने किया था? एडम स्मिथ ने किया था। गांधीवादी अर्थव्यवस्था एक आपका टर्म है गांधीयन इकोनॉमी और इसका इस टर्म का सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो न्याय ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर आधारित है। समाजवादी अर्थव्यवस्था सोशलिस्ट इकोनॉमी का जनक किससे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत हार्बिंगर ऑफ लिबरलाइजेशन कहा जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। विश्व की 10 शीर्ष अर्थव्यवस्था 2019 नॉमिनल जीडीपी पर आधारित है, ठीक है। और इसका जो है यूएस ट्रिलियन डॉलर में इसको जो है मापा गया है। तो विश्व की 10 शीर्ष अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो सबसे पहला आपका अमेरिका है, दूसरा आपका चीन है, तीसरा आपका जापान है, चौथा आपका जर्मनी,
पांचवा भारत, छठा नंबर आपका यूके का है, सातवां फ्रांस, आठवां इटली, नाइन आपका ब्राजील और टेन आपका कोरिया है। ठीक है, तो अमेरिका का जो जीडीपी है वो आपका है 21.49%, चीन का है 14.17%, जापान का है 5.22% है, जर्मनी का 3.9% है, भारत का 2.94% है, यूके का 2.83% है, फ्रांस का 2.71% है, इटली का 2.0% है, ब्राजील का 1.8% है और कोरिया का जो है 1.6% है। ठीक है, तो ये टोटल आपका हो गया जीडीपी। तो अमेरिका अमेरिका का 21.49% है, चीन का 14.17% है, जापान का 5.22, जर्मनी का 3.9%, भारत का 2.94%, यूके 2.83%, फ्रांस 2.71%, इटली 2.0%, ब्राजील 1.8%, कोरिया 1.6%। ठीक है, यहाँ पर एक बॉक्स है, वही अर्थव्यवस्थाएं जिनका विश्व के अन्य देशों से कोई व्यापारिक संपर्क नहीं होता है वे बंद अर्थव्यवस्था कहलाती हैं। तो वे अर्थव्यवस्थाएं जिनका विश्व के अन्य देशों से कोई व्यापारिक संपर्क नहीं होता है वे बंद अर्थव्यवस्थाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है और कल हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 2। तो आज का वीडियो आपका यहीं पर समाप्त होता है, तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।